हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सादिया इजी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का की रेसिपी। ये चिकन टिक्का खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही इजी तरीके से फटाफट बन के तैयार हो जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से धो लिया है और धो के इसका पानी पूरा निकाल लिया है। तो अभी इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ मैं नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और साथ ही में डाल रही हूँ मैं चिकन टिक्का मसाला 1 चम्मच। अगर आपके पास चिकन टिक्का मसाला नहीं है तो आप इसके जगह पर गर्म मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही मैंने 100 ग्राम का इस्तेमाल किया है। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर 1 बड़े चम्मच। आप अपने तीखा के अनुसार ऐड करें। और उसी के साथ में डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। और इसी के साथ इसमें डाल रही हूँ एक ऑप्शनल चीज़ जो है रेड फूड कलर। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी इसको अच्छी तरह से आपको हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि चिकन में मसाला जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से लग जाए। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से मैंने 1-2 मिनट तक मिक्स कर लिया है। अब इसको मैरिनेट करने को मैं छोड़ दे रही हूँ 15 से 20 मिनट। अभी 20 मिनट हो चुका है, चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। तो अभी मैंने लिया है कुछ वेजिटेबल जैसे कि कैप्सिकम और प्याज और टमाटर, ये मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अभी जो चिकन का मैरिनेट किया हुआ था उसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और डाल के सभी जो वेजिटेबल्स है वो सब को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, ताकि वेजिटेबल्स में भी मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देख सकते हैं हमारा मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसको स्टिक करूँगी। इसके लिए मैंने लकड़ी का जो स्टिक मिलता है रेडीमेड, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर सीख है तो आप उसमें भी डाल सकता है। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल रही हूँ चिकन का टुकड़ा और कैप्सिकम, फिर उसके बाद में 1 ओनियन डाल रही हूँ और मैं डाली हूँ 1 टमाटर। इसी प्रोसेस से आपको कर लेना है, पहले चिकन, फिर कैप्सिकम, फिर ऑनियन और फिर टमाटर। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं 3 लेयर का। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए 2 लेयर दिखाई हूँ, फिर मैं बाकी जितना भी है वो तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सेम प्रोसेस से मैं बाकी सब तैयार कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं मेरा सब तैयार हो चुका है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। मैंने गैस पे तवा को गर्म कर लिया है और अभी मैं अमूल का बटर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बटर को अच्छी तरह से पहले मैं फैला रही हूँ। बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद इसमें एक एक करके टिक्का आपको डाल देना है। और आपके तवा या फिर पैन में जितना भी आ जाए आप उतना डाल दें। ये देख सकते हैं एक एक करके मेरे तवे में सब आ गया है, इसीलिए मैं सब इसमें डाल रही हूँ। अभी आपको पहले गैस को हाई फ्लेम कर देना है 1 मिनट तक, उसके बाद आपको इसको ढक देना है और ढक के आपको लो मीडियम फ्लेम पे रख देना है 1 मिनट तक। ये देख सकते हैं मेरा 1 मिनट हो चुका है। अभी इसको मैं निकाल के देख लेती हूँ। मेरा गैस लो फ्लेम पे था इसलिए थोड़ा थोड़ा ये नीचे से पक चुका है, इसलिए मैं एक बार इसको पूरा पलट रही हूँ। इसको पलट के मैं तुरंत इसको फिर ढक दूंगी और ढक के इसको मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी और 1 मिनट तक। ये देख सकते हैं हमारा 1 मिनट हो चुका है। अभी इसको मैं फिर से एक बार चेक कर लूंगी ये कितना तैयार हुआ है। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो साइड में जितना भी बटर है वो सबको मैं ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा रही हूँ, ताकि जो मसाला चला गया है वो ज़्यादा भी वेस्ट ना हो, पूरा इसके अंदर मैं एडजस्ट करके इसको लगा दूँ। ये देख सकते हैं चिकन टिक्का लगभग हमारा तैयार हो ही चुका है। तो अभी इसको मैं लो फ्लेम पर और भी 1/2 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी।
आप देख सकते हैं ये आधा मिनट हो चुका है और हमारा टिक्का बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हुआ था। तो इसको मैं एक एक करके अभी गर्मा गर्म सर्व कर लेती हूँ प्लेट में। मैं अभी प्लेटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो अगर आज मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि हर एक रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये देख सकते हैं चिकन टिक्का हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को ये रेसिपी का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट पर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को साथ ही में ऑन करना ना भूलें। मिलेंगे ऐसे ही नए नए अलग अलग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।